आज हम एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th का टॉपिक है इन इक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के इन इक्वलिटीज क्या होता है, सबसे पहले आप उनकी चर्चा करेंगे कि इन इक्वलिटीज क्या होता है। ये वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं असमीका, इन इक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं असमीका या इन इक्वलिटीज क्या होती है। एक इन इक्वलिटीज होती है और एक वर्ड आता है इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वलिटीज, यानी असमीका और समीकरण में जो क्या अंतर होता है। कि इक्वेशन होता है उसमें टू पार्ट होते हैं उसके, और बीच में क्या होता है, इक्वल साइन होता है। क्या होता है, इक्वल साइन, जैसे आपको ये दे दिया, ये क्या हो गई, और ये ही आपको ऐसे दे दे 2x + 4 > 0, तो ये कहलाएगी इन इक्वलिटीज। क्या जाएगी, इन इक्वलिटीज या असमीका कहलाएगी। इक्वेशन में टू साइड्स होती हैं, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो इक्वल होती हैं। और इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू आएगी 2x, और आगे चला गया तो एक्स की वैल्यू इक्वेशन में केवल और केवल ए की आई, वो क्या है, -2, 2 आई एक्स का मान, केवल -2 ही आया, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। जबकि असमीका में, इनइक्वलिटीज में इनफाइनाइट वैल्यू होती है, यानी वो वैल्यू देखना 2x > -4, x > -4/2, x > -2, यानी x की वैल्यू जो -2 से क्या हो, ग्रेटर हो, वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। कोई एक वैल्यू थोड़ी आई भाई, x > -2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इनफाइनाइट। -2 से ग्रेटर जितने भी वैल्यू होती हैं वो सारी x की यहाँ इनइक्वलिटीज में वैल्यू आती है। जबकि अपन इक्वेशन में बात करें तो x की केवल एक ही वैल्यू आई, एक आई या दो आई, फिक्स आएगी, दो भी आ सकते हैं। यदि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन आते हैं, इक्वेशन क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे। वो तो इक्वेशन की जो पावर होती है वेरिएबल की, उतने सॉल्यूशन आते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन एक ही आता है। यहाँ एक्स की पावर 2 होती तो सॉल्यूशन 2 होते, एक्स की पावर 3 होती तो सॉल्यूशन 3 होते, ये अपन पहले भी चर्चा कर चुके। तो ये डिफरेंस होता है इनइक्वलिटीज और इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन इनइक्वलिटीज एंड इक्वेशन, समझ गए। इनइक्वलिटीज में ग्रेटर देन जरूरी नहीं कि लेस देन 0 भी हो सकता है, या तो लेस देन मिलेगा या ग्रेटर देन मिलेगा। यदि कहीं इक्वल की बात हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन होती है। साथ ही इसमें वेरिएबल के जितनी डिग्री का वेरिएबल है उतने ही उसके वैल्यू जाते हैं, लेकिन यहां वेरिएबल की वैल्यू एक ना के एक से अधिक, और जो इनडेफिनेट होती है, निश्चित की कह दें, बहुत सारी संख्याएं आती। ये हमने छोटा सा एक परिचय पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए कि इनइक्वलिटीज क्या होती है। जबकि इस एक्सरसाइज में क्या दिया है, इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में इनइक्वलिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आप टॉपिक पे आते हैं आपके इनइक्वलिटीज ऑफ ए ट्राइंगल। इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल है
कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स कितनी होती हैं? थ्री साइड्स होंगी। तो इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्राइंगल ये कहती है जो साइड्स आएंगे तीन, या तो वो थ्री की थ्री इक्वल आएंगी, या दो इक्वल आएगी एक अनइक्वल आएगी, या तीनों अनइक्वल आएंगे। यानी साइड बेसिस आपने ट्राइंगल के थ्री टाइप्स पढ़े थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। इसके अलावा साइड बेसिस पे ट्राइंगल का कोई काइंड नहीं होता है। जब हम देखें कि इसके अंदर थ्री साइड होती हैं, किसी भी एनी टू साइड का यदि सम करेंगे, ध्यान से सुनना, एनी टू साइड यानी कोई भी दो साइड, चाहे छोटी से छोटी ले लियो, चाहे एक बड़ी ले लियो, एक छोटी ले लेना, एक ग्रेटर स्मॉल स्मॉल स्मॉल, आपकी मर्जी है, इसमें कैसे भी ले लेना। मेन कंसेप्ट क्या है कि यदि उसकी दो साइड्स को सम करें तो वो तीसरी साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगी। यानी जैसे कि ए बी प्लस बी से इसको प्लस करेंगे तो हमेशा ए सी से क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। मैं कह दूं ए बी प्लस ए सी तो किससे बड़ी आएगी? ये बी सी। अब इधर एक बार ए बी लेके देख लें, ए बी लेंगे तो क्या जाएगी? ए सी प्लस। ये इनइक्वालिटीज है। ट्राइंगल जब भी बनती है बेटा जब ये कंडीशन फिल अप करे, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बना सकते। जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, एक ट्राइंगल है, एक साइड टू है, एक साइड थ्री है और एक साइड कहते हैं कि हम वन है, सपोज करें। अब टू प्लस वन कितना आया? क्या थ्री से थ्री बड़ा है? क्या ग्रेटर है? इसलिए ऐसी ट्राइंगल नहीं बन सकती। आप बना के दिखा देना कि ऐसी ट्राइंगल नहीं बनेगी। ट्राइंगल जब भी बनेगी, चाहे ये 1.0001 ही हो तो भी बन सकते। यानी इन छोटे वाले दो का प्लस कर लें, बड़े वाले से भी बड़ा आना चाहिए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। क्योंकि यदि एक ही लिया तो ये इनइक्वालिटीज की गलत साबित होगी। तो जब भी कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे कोई भी साइड दे दिया, जैसे कि ऐसे दे दिया, ये थ्री दे दिया, ये फाइव दे दिया, तो ये साइड क्या हो सकती है? एट से बड़ी? नो, हाँ, लेस देन एट, यानी आठ से छोटी आएगी ये साइड। समझ गए? आठ से क्या आएगी? छोटी। मैं एक ट्राइंगल और ले रहा हूं, इसका वैल्यू क्या आएगी? नाइन से छोटा आएगा। ठीक है, साथ ही अपन ये करना चाहें, इसकी वैल्यू थोड़ा सा मैं इसको और ले रहा हूं, नाइन से तो स्मॉल आएगा लेकिन किससे बड़ा आएगा? भाई अपने पास तीन है, आपने प्लस कर लिया कि इससे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहां एक्स ले लूं तो छोटे फोर है ना, इन दोनों को करें फोर प्लस एक्स, वो वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए? समझ रहे हो बात? या कोई भी वैल्यू एक्स है, इन दोनों को यदि मैं प्लस करूं तो बेटा वो तीसरी साइड से तो बड़ा होना चाहिए ना, ग्रेटर होना चाहिए। तो फोर प्लस एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? फाइव से। तो एक्स ग्रेटर देन फाइव में से फोर माइनस हो गया, ऐसे ट्रांसफर तो जाएंगे, रूल वही चलेंगे, एक्स ग्रेटर देन वन, यानी एक्स की वैल्यू एक से बड़ी होगी और नौ से। समझ गए? इसी तरह इस एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होगी बताओ? किससे? यानी जैसे कि ये एक्स मान रहे हैं तो आपका थ्री प्लस एक्स ग्रेटर देन फाइव, एक्स फाइव माइनस थ्री,
टू से क्या आएगी, टू से ग्रेटर एंड एट से लेस है। क्लियर है ये बात? ये है इनइक्वलिटीज ऑफ इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। इनका अब हम चाहें तो इसमें आपके एक्टिविटी भी दे रखी है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। अब एंगल्स की हम बात करें, ये इस टॉपिक से संबंधित बातें जो आपको आनी चाहिए थी वो पढ़ रहे हैं। अब हम एंगल्स की बात करें क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ज्यादा मेन बात है एंगल्स का। किसकी बात है? एंगल्स के बात है। ये तो इससे संबंधित जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए थी वो मैंने थोड़ी बताई थी। अब एंगल्स की बात करें, कोई भी ट्रायंगल है, अब इसके अंदर जो मेन बात आएगी आपके 7.4 में वो ये आएगी कि ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि साइड्स डिपेंड ऑन अपोजिट एंगल एंड एंगल इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अपोजिट साइड। साइड है वो एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल है वो साइड पे। यानी डायग्राम को देखने पे ये साइड सबसे बड़ी लग रही है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या आएगा, बड़ा है। जैसे कि आपको मैं ये दे दूं, ए बी से ए सी बड़ी है बेटा, तो ए बी के सामने का एंगल कौन सा बनेगा, सी, और ए सी के सामने का बी, ठीक है ना। यानी बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने का एंगल क्या आएगा, छोटा। ये है कि इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। एक है इफ एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसके इसी को मैं दूसरे वे में कहें, पी क्यू आर, आपको कोई ये कह दे एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। क्यों एंगल ग्रेटर है, तो क्योंकि एंगल की साइड कौन सी डिपेंड करेगी, पी आर, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। दो बातें हैं इस आपके एक्सरसाइज, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर है वो पी क्यू से क्या आएगी बेटा, बढ़िया। ये ध्यान रखना, ये भी इनइक्वालिटीज है जो आपके एक्सरसाइज के अंदर जो बातें हैं ना वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताई थी कि वो भी आवश्यक है। ये दोनों बातें, साइड के ऊपर एंगल और एंगल पे साइड, ये टू आपकी थ्योरम्स हैं और वो थ्योरम्स होगी आपकी। तीन थ्योरम्स के बारे में यहां चर्चा की गई है, एक तो एंगल्स है साइड पे डिपेंड करेगा, साइड है वो एंगल पे करेंगे, और सम ऑफ इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर आ रहे हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये डायग्राम है, आपको क्या गिवन है, सो दैट इन ए सॉरी ये तो टू का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल बनाना है, ये है क्वेश्चन। क्या बनाना है, राइट एंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल है और शो करना है कि हाइपोटेनियस है इसकी वो लॉन्गेस्ट साइड है। ये प्रूव करना आपको, ये प्रूव करना है आपको, गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल, एबीसी कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल इट मीन्स इसमें क्या है 90 डिग्री का। और आपको ये करना है कि आपको पता है कि हाइपोटेनियस क्या होती है, कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ गई, हाइपोटेनियस। बीसी, बीसी आपको दिखाना है कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है। आप देखिए कि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, ए आपको गिवन है 90, एंगल बी एंड एंगल सी 180 माइनस 90 इट मीन 90। यानी जब एंगल बी और सी, ध्यान से देखना, एंगल बी और सी दोनों का प्लस कितना है, तो एंगल बी 90 से तो छोटा आएगा, एंगल बी 90 से तो अवश्य छोटा आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू यदि जीरो बन जाती है तो ट्राइंगल नहीं बनता है। ठीक है, और एंगल सी भी क्या आएगा, 90 से छोटा। आप एक बार बताइए कि क्या किसी ट्राइंगल में, एनी इफ एनी ट्राइंगल, टू एंगल्स आर 90 डिग्री में भी पॉसिबल, किसी भी ट्राइंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। दो 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए या दो ऑब्ट्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही हो सकता है, क्योंकि दो जाए तो 180 से ज्यादा हो जाता है, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं, क्योंकि B का मान भी 90 से बड़ा छोटा, C का भी 90 से छोटा। अब एंगल ए बी सी में, ये एंगल A में यहां लिख रहा हूं, ये कितना है, अब इन तीनों एंगलों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सो एंगल A इज ग्रेटर ग्रेटेस्ट एंगल, यानी एंगल ए ग्रेटर देन बी और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। अभी आपने इनइक्वालिटीज भी आपने पढ़ी थी कि साइड्स डिपेंड ऑन ऑपोजिट एंगल। अब जैसे एंगल ए है, इसकी साइड क्या है बेटा, डिपेंड करेगी बीसी, बीसी। ठीक है, ये एबीसी भी बड़ी आएगी, क्योंकि ये एंगल दोनों से बड़ा है, इसलिए ये बीसी किससे बड़ी आएगी, समझ रहे हो, ये 90 है तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल ये है, तो सबसे बड़ी साइड ये, यानी ये साइड इससे भी बड़ी और इससे भी, दोनों से ग्रेटेस्ट है। सो हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, देखना एकदम क्लियर आ रहा है क्या, लॉन्गेस्ट तक साइड तक। क्वेश्चन नंबर दो है आपके पास, जो डायग्राम बनाया गया है कि साइड से बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यों रेस्पेक्टली आल्सो। आपको क्या गिवन है, गिवन एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी, शो दैट एसी ग्रेटर देन
ए बी, एंगल पी बी सी ये एंगल, और क्यों सी बी ये एंगल, ये बड़ा है, मैंने दो बार लगाया ना, ये क्या है एंगल बड़ा है। देखिए ये जो बी पॉइंट पे है इन दोनों एंगलों का सम ये लीनियर पेयर है, कितना होगा 180 होगा, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी 180 डिग्री लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट, अब सी पॉइंट पे देखेंगे अपन एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी टी, ये भी कितने बेटा 180 लीनियर पेयर, यानी इन दोनों एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आया 180 आया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के आप कंपेयर करें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अपने लिख दिया ए बी सी, ए बी सी प्लस पी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस क्यू सी पी। अब जो गिवन है उसको ध्यान से देखो आप, इसको पी बी सी ये है पी बी सी और ये है क्यू सी, क्यू सी बी, यहां क्या लिखना पड़ेगा क्यू सी बी, क्यू सी बी। अब इन दोनों को अपन तुलना करें इसकी रिस्की, इन दोनों में बड़ा कौन सा है बेटा ग्रेटर, ये बड़ा है एक लाइन वाला छोटा, ध्यान से देखना फिर भी बराबर है, ये ग्रेटर है ये क्या है स्मॉल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, क्योंकि छोटे में अपन प्लस करें तो बड़ा प्लस करना पड़ेगा और बड़े में छोटा प्लस करने पड़ेगा, यानी 100 एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये क्लियर आ गई बात, समझ गए ना ये बात। अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किस साइड डिपेंड करेगी ए सी ग्रेटर देन ए सी बी, इसकी साइड कौन सी है ए बी, यही तो प्रूव करना है अपने को, समझ गए बात, ये बात थोड़ी सी समझने की थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आपने जो डायग्राम फिगर बनाया गया है इसमें गिवन है एंगल बी लेस देन एंगल ए और एंगल सी लेस देन एंगल डी, दो बातें आपको दी गई हैं, आपको शो करना है, शो दैट ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी। देखिए एंगल बी और ए इसके अंदर बात करें तो बी ये ए, ये ए बड़ा है ना, यानी एंगल बी एंगल ए, तो बी के साइड डिपेंड करेगी ओ ए और ए पे साइड डिपेंड करेगी, समझ गए ये बात, ट्राइंगल ओ ए बी, ये एंगल बेटा छोटा है या छोटा या बड़ा सेम का सेम लिख रहा है, एंगल बी तो एंगल बी की ओ ए, एंगल ए की ओ बी। अब दूसरी दे रखी है अपने को सी लेस देन डी, इसमें चलें सी के सामने की साइड कौन सी होगी ओडी लेस देन
डी एंगल डी पे डिपेंड कौन सी करेगी? 80। अब एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करें। ये बेटा ओ ए लेफ्ट लेफ्ट साइड ओ ए प्लस ओ डी वो लेस देन ओ बी प्लस। अब देखो डायग्राम में ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, यू कैन रिटर्न दिस ए डी। क्या लिख सकते हो? ओ बी प्लस ओ सी, इसको क्या लिख सकते हो? ये तो प्रूव करवा रहा है। यही आपको प्रूव करना है, ए डी लेस देन बी सी। क्वेश्चन नंबर फोर, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। यानी ए बी स्मॉलेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में, सबसे छोटी साइड ए बी और सबसे बड़ी सी डी। शो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ये आपको प्रूव करना है। एंगल ए सी से बड़ा है और सी, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मेरी तरफ से कि ए को सी से मिला, ठीक है। अब मैं एंगल्स का नाम दे रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है ना। ये वन देने की बजाय इन दोनों को मिला दें एक साथ, ठीक है। सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अपन ने क्या कर दी? कंस्ट्रक्शन कर दिया, डायगोनल मीट कर दिए, ए को सी से मीट करा दिया और बी को डी से करा दिया। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन लिख देना आप। कंस्ट्रक्शन तो अब अपन ट्राइंगल एबीसी के अंदर बात करें। इन ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर एंगल तीन बड़ा है कि एंगल पांच, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। एंगल तीन के ऊपर डिपेंड करता है बीसी, एंगल पांच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बी सी बड़ी है कि ए बी बड़ी है? क्योंकि आपने को पता है कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, इसलिए बी सी बड़ी है इस, ये बात है ना। और बी सी के सामने का एंगल कौन सा है बेटा? तीन। यानी एंगल तीन किससे बड़ा है? क्लियर बात। अब दूसरी ट्रायंगल में चले अपन, एसीडी में चले। इसमें बेटा सीडी बड़ी है कि एडी बड़ी है? सीडी सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है। देखो आप लिखने को तो एडी इधर लिख के लेस देन लिख देते, लेकिन ये जैसा साइन है ना, ऐसा ही साइन बना रहा हूं इस तरह से कि वो साइड इधर लिखे जो बड़ी है, नहीं तो ऐसे लिखोगे ना थोड़ी सी आपकी गलती होने की संभावना। अब सीडी के सामने का एंगल कौन सा है? चार। और एडी का छह, चार और छह, ये पूरी ट्रायंगल लिया आपने। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड के प्लस करना
और राइट राइट के प्लस करना। मैं इसलिए बता रहा था कि इधर भी ग्रेटर देन और इधर भी ग्रेटर देन, तो अपने को प्लस करने में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप चेंज कर दोगे, एक तरफ ग्रेटर देन ले लोगे और एक तरफ स्मॉल देन ले लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तीन और चार को मिला के आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए। और पांच और छह को मिला के आप लिख सकते हो? एक तो हो गया आपका प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ करने के लिए, अभी तो ऐसे ट्राइंगल ली थी, अब ऐसे ट्राइंगल ले लें ए बी डी। कैसे ले लेंगे? ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में देखो बेटा, बड़ी कौन सी है? ए बी डी। ए बी बड़ी है कि ए डी? ए डी। ए डी ग्रेटर देन ए बी। ए डी का एंगल कौन सा बनेगा? ए डी का एंगल वन। ये जो ट्राइंगल है इसका ये वन एंगल, एंगल वन, और ए बी का एंगल एट थ्री। आप दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे बी सी, सामने की ट्राइंगल लेंगे ऐसे ऐसे, ये ली थी ना एक डायगनल की, डायगनल के हिसाब से ले रहे। दूसरी ट्राइंगल ले ली आपने, ट्राइंगल बी सी डी। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटा? सी डी। सी डी ग्रेटर देन बी सी। सी डी का एंगल टू और बी सी का एंगल सेवन। अब अपन इसको प्लस कर दें, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल वन प्लस टू ग्रेटर देन सेवन प्लस एट। वन और टू को प्लस करो बी, और सेवन और एट को प्लस करो। ये तो प्रूव करवा रहा था दोनों आगे। इसमें अपने को एक तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। चार की थोड़ा सा पढ़ी करो।